दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या तिवारी, मैं साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर हूँ। आज की स्टोरी बहुत ही अच्छी है। आज की स्टोरी में हम ये देखेंगे कि अगर हमें किसी भी इंसान को अच्छा बुरा अगर हम बोलते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे ज़रूरी तीन बातें होती हैं। हम किसी को भी अच्छा बुरा बोले तो उससे पहले हमें इन तीन बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी है साउथ के एक राजा की, जिनके तीन बेटे थे। तीन राजकुमारों में बराबर बुद्धि रहे, तीनों में वो क्षमता हो कि वक्त आने पर चाहे जो राजा बने वो सही फैसला ले सके। राजा ऐसा चाहते थे और इसके लिए राजा साहब ने सोचा कि क्यों ना एक टास्क प्लान किया जाए। तीनों राजकुमारों को दरबार में बुलाया गया और उन्हें टास्क समझाया गया। राजा ने कहा कि आप तीनों राजकुमारों को बारी बारी से चार चार महीने के अंतराल में, चार चार महीने के गैप में एक पेड़ को ढूंढने के लिए जाना है। वो पेड़ हमारे राज्य में नहीं है, आपको दूसरे राज्य में जाना है और वो पेड़ ढूंढ करके हमें बताना है कि कैसा दिखता है, कैसा वो पेड़ है। राजकुमार ने कहा कि सही है। सबसे बड़े वाले ने पूछा कि पिताजी ये तो बताइए कि पेड़ कौन सा ढूंढना है। तो राजा ने कहा कि आपको नाशपाती का पेड़ ढूंढना है। जो लोग नाशपाती नहीं समझते, पियर जिसे इंग्लिश में कहते हैं, वो पियर का जो ट्री है उसे ढूंढने के लिए राजकुमारों को जाना था। सबसे पहले बारी बड़े राजकुमार की थी। बड़े राजकुमार गए, देख करके वापस आ गए, उन्हें पास के राज्य में वो पेड़ मिल गया। आकर के उन्होंने पिताजी से कहा कि आप कहें तो मैं बता दूं कि कैसा दिखता है। तो उनके फादर जो कि राजा थे, उन्होंने कहा कि नहीं, अभी वेट करो। दूसरे वाले को भेजा गया, बीच वाले जो भैया थे वो गए, फिर सबसे छोटे वाले भाई गए। तीनों राजकुमार जब जाकर के वापस आ गए तो एक बार फिर से राजकुमारों को दरबार में बुलाया गया। सारे मंत्री वहाँ बैठे थे, बाकी छोटे छोटे राजा वहाँ बैठे थे और जो महाराजा थे, जिनके राजकुमार थे, उन्होंने कहा कि अब बताओ आप कि आपको वो पेड़ कैसा दिखा और कहाँ मिला। सबसे बड़े वाले ने सबसे पहले बताना शुरू किया। बड़े राजकुमार ने कहा कि पिताजी, हमारे पास के राज्य में मुझे पेड़ मिला और लोगों ने कहा कि यही नाशपाती का पेड़ है, लेकिन आपने क्यों भेजा? मतलब वो तो सूखा सा था, टेढ़ा मेढ़ा सा था, मतलब किसी काम का नहीं था। मुझे समझ नहीं आया कि आपने नाशपाती का पेड़ देखने के लिए मुझे भेज दिया। वो ये बोल ही रहा था कि दूसरा वाला जो राजकुमार था, बीच वाला जो था, उसने ये बोलना शुरू कर दिया कि भैया क्या बात कर रहे हो, जो मैंने नाशपाती का पिताजी पेड़ देखा है उस पर हरी भरी पत्तियां थी, लेकिन मुझे एक कमी लगी, उसमें फल नहीं लगे थे। और जैसे ही दूसरा वाला ये बोल रहा था, तीसरा वाला जो सबसे छोटा बेटा था, राजकुमार था, उसने कहा कि पिताजी, ये दोनों भैया क्या बात कर रहे हैं, मैंने जो पेड़ देखा है वो नाशपाती का है, मैंने किसानों से कन्फर्म किया है, आसपास के लोगों ने बताया कि ये नाशपाती है और उसमें बहुत सारे फल लगे थे, वो फलों से लदा हुआ था। जैसे ही तीनों ने बात बोली, तीनों की बातें एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी, तीनों एक दूसरे से झगड़ने लगे। दरबार में जितने मंत्री थे, जो छोटे छोटे राजा थे, वो सब देख रहे थे कि ये महाराजा क्या करवा रहे हैं, अपने बेटों में फूट पड़वा दी, लड़ाई करवा दी। तभी राजा अपने सिंहासन से खड़े हुए और बोले कि आप तीनों राजकुमारों को झगड़ने की जरूरत नहीं है, आप तीनों ने बिल्कुल सही पेड़ को देखा है, लेकिन क्योंकि आप चार चार महीने के अंतराल में गए, इसलिए आप तीनों ने एक ही पेड़ को अलग अलग अवतार में देखा है, आपको बहस करने की जरूरत नहीं है। तीनों राजकुमार चुप हो गए। राजा ने फिर कहा कि मैं आपको तीन बातें सिखाना चाहता था, इसीलिए इस पेड़ को ढूंढने के लिए आसपास के राज्यों में भेजा था। राजकुमार ने पूछा कि पिताजी क्या समझाना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि इस पेड़ को आप तीनों ने अलग अलग टाइम पर देखा और इससे तीन बातें सीखने को मिलती हैं। पहली बात, किसी भी चीज पर फैसला तब तक ना लें जब तक आप आखिरी तक उसे ना जान लें, चाहे वो कोई इंसान हो, आपका दोस्त हो, फैमिली मेंबर हो, या कोई सिचुएशन हो, या कोई चीज हो, जब तक आपको पूरी जानकारी ना हो अपना डिसीजन ना लें। दूसरी चीज जो ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है, जो राजा ने अपने राजकुमारों को बताया, कि जिंदगी में कभी भी किसी को भी जज ना करें, हो सकता है कि वो वक्त उसके लिए खराब चल रहा हो। बड़े वाले राजकुमार ने सोचा था कि सूखा पेड़ था, बीच वाले ने सोचा था कि इस पर तो फल ही नहीं लगते, और तीसरे वाले ने सब कुछ हरा भरा देखा था, फल भी देखे थे। राजा ने कहा कि तीसरी बात, जो सबसे जरूरी बात है, वो ये कि इंसान की जिंदगी में कभी भी टाइम एक जैसा नहीं रहता, वही पेड़ पतझड़ में सूख जाता है और जब सावन आता है तो हरा भरा हो जाता है। छोटी सी कहानी, मजेदार कहानी, तीन बातें सिखाती है जिंदगी में, इन तीन तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय।